नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग जो आप देख रहे हैं मेरे ऑनलाइन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, जिसमें देखिए हमारे पास तकरीबन 5% ज्वाइन है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से, शाम को रात को 8 बजे और मेरे साथ लाइव क्लासेस ले रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हमारे वीडियोज का अपडेट आपको मिलता रहे। तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन को ऑन कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और देखिए किस तरह से हम ट्रेनिंग लेते हैं। और आप लेना चाहो तो आप वेबसाइट iptindia.com पे जाके हमारे डेमो क्लासेस को बुक कर सकते हो, या फिर हमारी ट्रेनिंग की कंप्लीट सिक्वेंसली डीवीडी ले सकते हैं, इसके लिए भी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि ज्वाइन कर रखे हैं, कमल जी और नीरज जी वगैरह, तो स्टार्ट करें सर। तो बेसिकली एडवांस एक्सेल वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की हमारी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम हैंडल करते हैं वीवीए प्रोग्रामिंग, क्या है और क्या बेनिफिट्स हैं, उन सब बारे में हम आपके साथ डिस्कशन किए थे, राइट। अब चलिए वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के टाइप्स और उसके बारे में हम बताते हैं। उससे पहले हम बताते हैं रिकॉर्डिंग माइक्रो के बारे में। हालांकि पिछले क्लासेस में मैंने आपको रिकॉर्डिंग माइक्रो के बारे में थोड़ा बहुत समझाया था, अब चलिए रिकॉर्डिंग माइक्रो को और डिटेल में हम जानते हैं। देखिए, रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज आप अपने लिए छोटे छोटे इवेंट्स, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते, राइट। तो जब रिकॉर्ड करते हो तो सेशन आपका रिकॉर्ड हो जाता है, उस रिकॉर्डिंग को आप यूज कर सकते हो। तो चलिए एक छोटा सा फॉर्मेट हम बनाते हैं रिकॉर्डिंग के। मान लीजिए मुझे हर दिन जो है एक हर महीने मुझे एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है अटेंडेंस का। तो हम चाहते हैं एक माइक्रो रिकॉर्ड कर देना और जब भी मैं रन करूं मुझे उसका उस महीने का अटेंडेंस का फॉर्मेट मिल जाए, राइट। तो चलिए हम यहाँ उसके लिए करते हैं रिकॉर्डिंग। हम यहाँ पे जाते हैं रिकॉर्ड माइक्रो, माइक्रो का नाम देते हैं एंड ओके करते हैं। अब मैं यहां पे देता हूं मंथ और मंथ में मुझे इसको ऑटोमेटिक करना है, तो मैं यहां पे ईओ मंथ टुडे कॉमा माइनस वन प्लस वन और इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं नॉर्मली अगर मंथ का दिन लिख देता तो हमेशा फिक्स रहता ना, क्योंकि कोड जब करेगा तो उसी के लिए करेगा, लेकिन मैंने यहाँ ऑटोमेशन कर दिया तो क्या होगा कि ऑटोमेशन करने का भी प्रोसेसिंग रिकॉर्ड हो गया, तो हमेशा मुझे उसी महीने जिस महीने में रिकॉर्ड करूंगा उस महीने का स्टार्ट डेट दिखेगा। और यहाँ पे इम्प्लॉय कोड, नेम, डिपार्टमेंट और यहाँ पे डेट पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और हम इसको इक्वल प्लस वन कर देते हैं और इसको इसको आगे तक हम फिल डाउन कर देते हैं जहाँ तक इसकी जरूरत है। और सॉरी, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, याद रखिए गलती मत कीजिएगा, गलती करिएगा तो गलती करने का भी कोड रिकॉर्ड हो जाएगा, इसलिए गलती ना करें तो सही रहेगा। अब इसकी फॉर्मेटिंग मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेव, कस्टम और यहाँ पे डीडी, इसको सेलेक्ट किया, डबल की क्लिक जिससे मेरा ये ऑटो फिट हो गया। उसके बाद हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग से पहले हम इसका एक सेटरडे यहाँ पे टेक्स्ट भी डालना है,
यहाँ पे करते हैं इक्वल टेक्स्ट का फॉर्मूला, इसको सेलेक्ट करते हैं कॉमा ट्रिपल डी और इसको सेलेक्ट किया कंट्रोलर, फिर वहां पर सेलेक्ट करके हम डबल क्लिक करते हैं। इसे प्रोसेस करना चाहिए इसलिए हमें इसका प्रोसेस, देखिए डबल क्लिक मुझे दो बार करना पड़ रहा है ना, हम एक बार टेक्स्ट लगा के करते हैं, इसलिए मैंने बताया था इसकी एल्गोरिदम हमें पता होनी चाहिए। तो मतलब किस स्टेप से फॉलो करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें दो प्रोसेस को हमेशा दो बार करना पड़ा, एक ही प्रोसेस को, क्या प्रोसेस था कि डबल सेलेक्ट करके ऑटो फिट करना, एक बार हमने डेट के लिए ऑटो फिट किया, फिर संडे मंडे के लिए ऑटो फिट किया, हम इसको एक ही बार कर सकते थे, इसलिए स्टेप्स को नोट करना जरूरी है, राइट। अब मुझे इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है, तो मैं न्यू रूल्स में यूज फॉर्मूला और यहां पे इक्वल और ब्रैकेट ओपन दैट इज इक्वल टू टेक्स्ट मतलब सैटरडे कॉमा, इसको सेलेक्ट किया और मैंने बोला इक्वल टू सैटरडे, ये सारा प्रोसेस कोड के रूप में रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसलिए हमें ड्रैग मतलब कि सारी ऑटोमेशन ध्यान में रखनी चाहिए कि इन फ्यूचर में क्या क्या और हो सकता है। एंड ओके एंड ओके, इसको सेलेक्ट किया आ गया, इस पूरे को सेलेक्ट करता हूं। हेलो हाँ जी, और किसी की प्रॉब्लम हो रही है सेंटर? हाँ जी हाँ, एक मिनट दीजिए मुझे। तो हमने मैन्युअली एक फॉर्मेट तैयार किया, फॉर्मेट जो हमने मैन्युअली तैयार किया उसको हमने रिकॉर्डिंग के अंदर में डाल दिया, जब हम उसको रिकॉर्ड किए तो रिकॉर्ड करते समय हमारा, हम जब उसको काम कर रहे थे तो हमारा सिस्टम उसको रिकॉर्ड भी कर रहा था, जैसे जैसे रिकॉर्ड कर रहा था वैसे वैसे उसकी कोडिंग बन रही थी। अब कोडिंग जब मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने स्टॉप कर दिया, तो अब क्या है कि मैं उसको किसी भी सीट पे अब उसको रन करूंगा, तो रन कर क्लिक करते ही हमारा वो माइक्रो विद इन सेकेंड में उस काम को कर देगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है आपके वर्क के ऊपर, समझे, आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है आपके वर्क के ऊपर। अभी स्क्रीन सही आ रही है आप लोगों को? तो चलिए एक और एग्जांपल देता हूं, बोलिए। देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूं, और जब भी आप माइक्रो पे इस्तेमाल माइक्रो को यूज करने की यूज करें तो दो चीज करें, पहला आप माइक्रो की जो सिक्योरिटी वार्निंग है उसको अनेबल चेक कर ले कि अनेबल है कि नहीं है, यहाँ अनेबल ऑल माइक्रो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। दूसरा फाइल को आप सेव करें माइक्रो अनेबल वर्क, गलती से आपने इस फाइल को सेव कर दिया एक्सेल वर्कबुक में तो आपके माइक्रो सेव करने के बाद नहीं मिलेंगे, सारे माइक्रो लॉस्ट हो जाएंगे, राइट। अब मैं अगली माइक्रो में कोडिंग नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने अभी आपको एक अटेंडेंस शीट की कोडिंग रिकॉर्डिंग करना मैंने आपको सिखाया, तो आपने उसको इजीली कैच कर लिया कि भाई रिकॉर्ड कैसे होता है आपको समझ में आया, राइट। लेकिन मैंने बोला कि हर बार ऐसा नहीं होता है कि आप जो रिकॉर्ड करोगे वो रिकॉर्ड होते चला जाएगा, राइट। अब हम आपको एक और एग्जांपल बता रहे हैं, ये मेरा डेटा है जो आप देख रहे हैं, ये हमारा डेटा है। अब इस डेटा में जो आप डेटा दिख रहा है आपको, इस डेटा के अंदर में क्या है, इस डेटा के अंदर में मुझे करना है डेटा को सेपरेट,
मतलब मैं चाहता हूँ जैसे कि मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे पटना का डेटा एक अलग सीट पे कॉपी पेस्ट हो जाए, रायपुर का डेटा, नोएडा का डेटा, मैं कि एक एक सिटी का डेटा कॉपी होके पेस्ट हो जाए कहाँ पर, एक नई सीट। तो हम इसके लिए भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं मैक्रो को, हमने इसको सेलेक्ट किया एंड रिकॉर्ड मैक्रो टू, रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया, हमने इस पे कर्सर रखा, हमने फिल्टर अप्लाई किया और हमने यहाँ मान लीजिए पटना को सेलेक्ट किया और पटना का डेटा को सेलेक्ट किया। और जब भी आप रिकॉर्डिंग में मैक्रो की कोडिंग करें तो फिल्टर डेटा को कॉपी करने से पहले आप स्पेशल पे जाके आप विजुअल सेल्स ओनली को सिलेक्ट करना ना भूलें, चाहे कोडिंग के जरिए या ना। अब इसको हमने कॉपी किया, हमने एक नई सीट को ऐड किया और डेटा को पेस्ट किया और इस सीट का नाम हमने डाल दिया पटना। ठीक है, काम परफेक्ट हो गया। अब मैं इसको स्टॉप करता और पटना सीट को डिलीट करता हूँ, एक नाम के दो सीट नहीं रहेंगे ना इसलिए। अब मैं इसको इसकी फिल्टर को भी हटा देता हूँ। अब मैं माइक्रो में जाके माइक्रो टू को रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि सेम प्रोसेस हमने माइक्रो वन के लिए किया था तो माइक्रो वन परफेक्टली वर्क किया था। अब मैं ये भी चाहूंगा कि मेरा माइक्रो टू भी परफेक्टली वर्क करे, क्या सर? तो इसको हमने रन किया तो यहां देखिए एरर रिसीव हुआ। अब मैं डिबग पे क्लिक करूंगा तो सीधे कोडिंग पे ले जाएगा जहां इसको दिक्कत हुआ। सबसे प्रोसीजर सही था, इसने बोला सीट 5 डॉट सेलेक्ट, मतलब कि जब हमने माइक्रो रिकॉर्ड किया था उस समय जब हमने सीट को ऐड किया था उस समय सीट का नाम सीट 5 था, लेकिन जब दोबारा इंसर्ट हुआ तो सीट 6 हो गया। तो इसलिए मैंने बोला कि हमेशा रिकॉर्डिंग मैक्रो परफेक्टली वर्क नहीं करेगा। अब यहां पे दिक्कत आ गई, तो यहां पे आपको थोड़ी सी कोड की नॉलेज होगी तो आप इसको चेंज कर दोगे कि भाई इसको चेंज हो और जहां एक है वहां पे हमने एक्टिव सीट दे देते हैं, एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू पर्सनल, अब ये परफेक्टली वर्क करेगा। अगर मैं पटना सीट इसको डिलीट कर देता हूं और दोबारा रन करता हूं, अब मैं मैक्रो में जाता हूं, मैक्रो टू को देखा परफेक्टली वर्क किया, लेकिन एवरी टाइम वो पटना का कर रहा है। आप चाहते हो कि पटना के जगह पे हम कोई और सिटी लें, जैसे मैं दिल्ली चाहता हूं, तो यहां जहां जहां पटना है वहां वहां दिल्ली कर दे कोडिंग में जाके। लेकिन प्रॉब्लम ये तो हम कर पाएंगे ना, अब दिल्ली कर दिया तो अब मैं इसको रन करूंगा मैक्रो टू को तो दिल्ली को परफॉर्म करेगा, दिल्ली को सबमिट किया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि बोलिए हाँ नई सीट में देगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आती है कि चलो हमें तो वीवी की नॉलेज है तो हम इसकी प्रोग्रामिंग में जाके हम इसको कर दे, लेकिन मैं हमेशा प्रोग्रामिंग को हर किसी को एक्सेस नहीं करने देना चाहता, तो जहां दिल्ली है वहां पे क्या करें? तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे अपनी मैथमेटिक्स। आप लोग मैथमेटिक्स इस्तेमाल करते थे तो एक कांस्टेंट आप मानते थे कि एक्स इक्वल टू 100, राइट? और जहां आपको 100 की जरूरत पड़ती थी वहां पे आप एक्स इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो एक्स क्या होगा, एक कांस्टेंट हो जाता था, एक सपोज हो जाता था और उसको आप अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते, तो सेम थिंग हो सकता है। तो हमारे पास एक कोड होता है वीवीए का इनपुट बॉक्स का, तो मैंने बोल दिया कि ए इक्वल टू इनपुट बॉक्स और
और हमने बोल दिया एंटर सिटी नेम। तो एक क्या करेगा, इनपुट बॉक्स एक पॉपअप देगा, क्या देगा, एक पॉपअप देगा जो रन होगा, उस पॉपअप में जो हम वैल्यू डालेंगे वो ए पे स्टोर कर देगा, और जहां जहां मुझे ए चाहिए वहां वहां मैं इसको इस्तेमाल कर, जहां दिल्ली चाहिए वहां वहां ए कर। अब हो गया आपकी फुल्ली डायनेमिक। अब मैं इसको रन करता हूं जी, कमल जी मेरे साथ रहिए, आप आगे मत जाइए। मैंने बोला कि ऐसा हो सकता है तो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं डिक्लेयर पढ़ाऊंगा तो मुझे आपको कास्टिंग पढ़ाना पड़ेगा और कास्टिंग पढ़ने के लिए आप तैयार नहीं है, बस समझे। अब देखिए यहां पे एरर आ गया क्योंकि आईटी का कुछ है ही नहीं है, फिर भी इसने ऐड कर दिया, समझ गए। तो वर्क जो है परफेक्टली कर रहा है फॉर्मूला, हमें गलती से हमने ये डाल दिया था, डिपार्टमेंट डाल दिया, तो मैं दोबारा रन करता हूँ। इसमें मैं करता हूँ नोएडा, एन ओ आई टी नोएडा, नोएडा का आगे ठीक है। तो हमने कैसा कर सकते हैं, उसके लिए कंडीशन सर्चिंग डालना पड़ेगा ना, करने तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम यहाँ पे। फिलहाल तो मैं आपको एक, अभी मैं आपको प्रोग्रामिंग नहीं सिखा रहा हूं, अभी मैं सिखा रहा हूं कि अगर आपने रिकॉर्डिंग किया है, अगर रिकॉर्डिंग करके माइक्रो आपको एरर दे रहा है तो हाउ कैन एडिट। हमने यहाँ पे एक लाइन डिलीट किया, एक वर्ड को हमने चेंज किया, एक लाइन हमने ऐड किया और हमारा रिकॉर्डिंग माइक्रो परफेक्टली वर्क करने लगा, समझ गए। तो परफेक्टली वर्क करने लगा, तो कहने का मतलब है कि रिकॉर्डिंग माइक्रो अब कुछ ऐसा, वो आपके एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है, जो आप काम करना चाहते हो क्या वो डायनेमिक है, सीट नेम बार बार चेंज होते हैं, पिवट टेबल अपना बार बार सीट और पिवट टेबल नेम चेंज करते रहता है। तो आप जब जो फीचर्स इस्तेमाल कर रहे हो उस फीचर्स को देखना पड़ेगा कि फीचर्स चेंजेबल रहता है हमेशा या फिर आपका फिक्स है, कि आपका चेंजेबल रहता है या फिक्स है। तो हम आपको प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, प्रोग्रामिंग सिखाएंगे तो सारी चीज सिखाएंगे, चिंता मत करिए ठीक है। तो इसमें आ गया। अब चलिए अब बात करते हैं हम असाइन मैक्रो, मतलब कि आपको हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए मैक्रो को रन करने के लिए क्या हमेशा मैक्रो में ही जाना पड़ेगा, मैक्रो को रन करने के लिए क्या हमेशा मैक्रो को रन करने के लिए क्या हमेशा मैक्रो में जाना पड़ेगा। आप इसकी शॉर्टकट भी बना सकते हैं, मैक्रो लिस्ट पे जाइए और आप ऑप्शन में जाके शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, जिस मैक्रो को शॉर्टकट क्रिएट करना है उसको सिलेक्ट कीजिए और ऑप्शन में अपना शॉर्टकट लिख दीजिए, राइट। उसके बाद आप अगर मानते आपको लगता है कि बटन पे असाइन करना है तो डेवलपर में इंसर्ट में बटन होगा,
तो इंसर्ट में देखिए मैक्रो आ रहा है, इसको सिलेक्ट कीजिए, ड्रैग कीजिए, ड्रैग करते हैं आपसे असाइन मैक्रो मांगेगा, आप अपना मैक्रो असाइन कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरा मैक्रो परफॉर्म हो जाएगा, या फिर आपने कोई पिक्चर, कोई पिक्चर अगर आप लेते हैं, जैसे कि मैंने सैप्सी उठा लिया इंसर्ट में आके, होता है ना सैप्स वगैरह ड्राइंग होते हैं, ड्राइंग करते हैं, मैं चाहता हूँ इस ड्राइंग के ऊपर मैं को असाइन करना या पिक्चर के ऊपर, तो राइट क्लिक और सॉरी इस पे राइट क्लिक और यहां देखिए असाइन मैक्रो, अपना मैक्रो असाइन कर, ठीक है सर। तो मैक्रो आप ऐसे असाइन कर, और समझ में आएगा सर आपको, दोस्तों देखा किस तरीके से मैंने अभी कुछ बच्चों को पढ़ाया, 8 बजे शाम के 8 बज रहे थे, उन्होंने मेरे साथ क्लासेस ली, तो आप भी आप अपनी क्लासेस मेरे साथ ले सकते हो, मेरी डीवीडी भी परचेज कर सकते हो, मेरी क्लासेस भी ले सकते हो। तो डीवीडी लेने के लिए, क्लासेस लेने के लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके लॉगिन कीजिए, वहां से आप डीवीडी ले सकते हैं, या फिर हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लासेस के डेमो बुक कर सकते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए, वहां पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो मुझे कॉल कीजिए। और हाँ, ये प्रमोशनल वीडियो है, मैं यूट्यूब पे जो भी वीडियो डालता हूँ प्रमोशनल वीडियो डालता हूँ, कोई सिक्वेंसली वीडियो नहीं है। सिक्वेंसली वीडियो चाहिए आपको कि आपको ए टू जेड हर चीज होना चाहिए सिक्वेंस में, तो आप हमारी डीवीडी परचेज कर लें या फिर हमारी लाइव क्लास लें, उन सब की डिटेल्स मेरी वेबसाइट iptindia.com पे अवेलेबल है, आप वहां जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस।